चलो अब हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के सेक्शन बी को देख लेते हैं। तो इसमें जो है मेकिंग नोट्स है, मेकिंग नोट्स बनाया कैसे जाता है इसके बारे में आपको पूरा जानकारी बताऊंगा। तो चलो शुरू करें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बी सेक्शन, ठीक है। बी सेक्शन में हम फर्स्ट जो पैसेज है उसको देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एक मेकिंग नोट्स बनाने के लिए आपको चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली हेडिंग होता है, दूसरा होता है सब हेडिंग होता है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, तीसरा होता है कीवर्ड होता है, और चौथा होता है टाइटल। इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होता है, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों का उपयोग करके हम जब भी पैसे से हम मेकिंग नोट्स नोट्स बनाएंगे तो इन चारों चीज़ों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग निकालते हैं। हेडिंग के अंदर में ही सब हेडिंग लिखते हैं, उसी में कीवर्ड भी दे देते हैं, और टाइटल को अलग से लिखा जाता है। तो मतलब एक पॉइंट में हम तीन चीज़ों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से, हेडिंग का, सब हेडिंग का और कीवर्ड का। इन तीनों का उपयोग करते हैं, हर में नहीं करते हैं, लेकिन जिनमें ज़रूरत है उसमें सब हेडिंग भी लिखते हैं और कीवर्ड भी लिखते हैं। तो चलो आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे जो मेकिंग जो नोट्स है ना उसे कैसे तैयार किया जाता है। तो पहला पैसेज देखो, पहला पैसेज में क्या है, देखो पहला पैसेज यहाँ पे है, इन 1776 BC द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपिक। मतलब ये पूरा टॉपिक लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, कि इसके नोटिंग मतलब इसका जो नोट्स मेकिंग है वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब भी पहला पैराग्राफ पढ़ोगे, मतलब पहला जो पॉइंट पढ़ोगे, ठीक है, पहला वाक्य आप पढ़ते हो, तो उसके अंतिम वाक्य तक के आपको जाना है। जैसे कि अंतिम वाक्य क्या है, तो इन 1776 से शुरू होके, ठीक है, अंतिम क्या है, चीप गॉड ज्यूस लिखा हुआ है, तो यहाँ तक के आपको जाना है, पहला पॉइंट ये है। अब इसे मुझे क्या करना है, इसे मैं हेडिंग में तैयार करूंगा। तो हेडिंग तैयार करूंगा, तो कैसे हेडिंग तैयार करूंगा, तो देखो इसका आंसर मैं क्या लिख सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इन 1776 BC को हटा दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसको लिखो, अपने हिसाब से तैयार करना है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया द फर्स्ट ओलंपिक से स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, द फर्स्ट ओलंपिक गेम लिखूंगा, इसके बाद एक अंडरलाइन करूंगा, और वो अंडरलाइन क्या दर्शा रहा है कि इसके अंदर बहुत से जो पॉइंट है जिसको मैंने छोड़ा है ना, वो सारी की सारी पॉइंट उसके अंदर कवर हो गया। उसके बाद मैं सीधा लास्ट में कहाँ पे गया, लास्ट में गया चीफ गॉड ज्यूस के पास चला गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक पॉइंट बन गया, यहाँ पे एक हेडिंग हो गया, ठीक है। हेडिंग क्या, इसमें सब हेडिंग है, तो इसमें कोई सब हेडिंग नहीं है, तो हमें सब हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। सब हेडिंग होगा तब आप सब हेडिंग देना, सब हेडिंग इसमें नहीं है तो हम सब हेडिंग नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखो द ग्रीक, ठीक है, इम्पेसाइज फिजिक, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस, ठीक, स्ट्रेंथ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो ये स्ट्रेंथ, इसकी बात करें, मतलब यहाँ पे क्या है, कीवर्ड का उपयोग किया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि ये बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं द ग्रीक से लेके अगर मैं स्ट्रेंथ लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको अंडरलाइन देके स्ट्रेंथ लिख देते हो, तो इसके अंदर सब हेडिंग बहुत सारे हैं। क्या क्या सब हेडिंग है, तो ओलंपिक जो खेल है ना उसमें क्या 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 खेल आ सकता है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अगर आप आगे पढ़ते हो तो यहाँ पे रनिंग है, जंपिंग है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो पूरा का पूरा लिखा है, बॉक्सिंग है, हॉर्स है, तो ये सारे के सारे सब हेडिंग है। तो आप क्या करोगे, इसको पूरे के पूरे सब हेडिंग में लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे दो सब हेडिंग तैयार किए, मतलब एक एक सब हेडिंग में मैंने तीन तीन से चार चार पॉइंट को नोट किया है। तो यहाँ पे रनिंग, जंपिंग, देखो डिस्कस, फिर ये सब चीज़ें, बॉक्सिंग, हॉर्स रेसिंग है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या हो गए, सब हेडिंग हो गए। तो ये सब हेडिंग में आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखो। तो आगे हमने उठाया यहाँ से एवरी वन से, मतलब एवरी 4 ईयर से हमने उठाया है, ठीक है। एवरी 4 ईयर से हमने क्यों उठाया है, क्योंकि जो ये जो खेल है वो हर 4 साल में होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, एवरी 4 ईयर्स, और फिर यहाँ पे ओलंपस लिखा हुआ था, हमने ओलंपस दे दिया। ओलंपस उस जगह में हुआ होगा, इसलिए इसको ओलंपिक नाम दिया है, ठीक है। तो इसीलिए ये एवरी 4 ईयर्स में ओलंपस में हुआ था, तो ओलंपस यहाँ पे हमने लिख दिया। इसमें कोई सब हेडिंग हमें दिखाई नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब हेडिंग बन ही नहीं रहा है। सब हेडिंग का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या क्या होना, जैसे ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल के अंदर अंतर्गत क्या क्या खेल आते हैं, तो वहाँ पे हमने जैसे लिखा है ना कि रनिंग है, बॉक्सिंग, हॉर्स रेसिंग, तो इसी तरह से आपको अंदर में लिखना है। तो इसके अंदर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हुआ है, कहाँ हुआ है वो भी हो चुका है। तो यहाँ पे इसके बाद और कुछ तो सब हेडिंग नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहीं तक के यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं चौथा पॉइंट में, ठीक है, चौथा पॉइंट मतलब चौथा पॉइंट बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाओ तो आपको जो जो पॉइंट अच्छा लगेगा उसी पॉइंटों को आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कैलकुलेटर लिखा है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, कैलकुल लिख दिया, ठीक है। तो कैलकुलेट कैलकुल कैलकुल लिखने से क्या हो गया, ये यहाँ पे
कीवर्ड लग गया, ये कैलकुलेट कैलकुलेट बन गया कीवर्ड में। इसके बाद मैंने सीधा क्या किया, लास्ट पाइन डेटिंग फ्रॉम 1776 BC को कंप्लीट कर दिया, अंतिम पॉइंट को सीधा उठा दिया। तो ये क्या कर दिया, इस पूरे टॉपिक को एक ही बार में कंप्लीट करा दिया कि हर 4 साल में तय किया गया है। और ये स्टार्टिंग हुआ था 1776 BC में, ओलंपिक जो है वो स्टार्ट हुआ था, अब ये हर 4 साल में होगा, ये यहाँ पे ये टॉपिक कह रहा है। इसके बाद इसका टाइटल चुनना है। तो टाइटल क्या है, बार बार मैं एक ही शब्द बोल रहा हूँ, ओलंपिक ओलंपिक ओलंपिक। तो टाइटल क्या लेना है, द फर्स्ट ओलंपिक, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो यहाँ पे पूरा टॉपिक उसी टॉपिक में बना है। तो यहाँ पे टाइटल आपको लिखना है, द फर्स्ट ओलंपिक लेना है। समझ में आ गया कैसे बनाते हैं नोट्स मेकिंग? ठीक है, आगे देखते हैं। पहले में अगर समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो, पहला प्रश्न मतलब दूसरा जो पैसेज है वो क्या है। तो देखो, दूसरा पैसेज में मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। तो हेडिंग क्या बनाऊंगा, तो यहाँ पे देखो क्या है, कैमेलियंस बोला है, मतलब गिरगिट की बात कर रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से कैमेलियंस मैंने लिखा, उसके बाद कैन मेक देयर, ये सब चीज़ मैंने हटा दिया। यहाँ इन सब चीज़ों को मैंने अंडरलाइन के थ्रू मैंने इसको दर्शा दिया, तो अंडरलाइन आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्या है, स्किन कलर चेंज। ठीक है, तो कैमेलियन का काम क्या होता है, स्किन के कलर को चेंज करने का काम, मतलब वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए मैंने अंडरलाइन करके स्किन कलर चेंज यहाँ पे लिख दिया था। एक पॉइंट हमारा मिल गया हेडिंग। इसके बाद अभी सब हेडिंग इसमें कोई नहीं बन रहा है, तो हमें सब हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई कलर का चेंज करना तो वो सब हेडिंग के अंदर नहीं आता है। आगे जो पॉइंट है इसमें लिखा रहेगा, उसके हिसाब से हम सब हेडिंग तैयार करेंगे। दूसरा पॉइंट में आते हैं, आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पॉइंट वही चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे डिटरमाइंड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा पूरा पॉइंट वही वही चीज़ बता रहा था, तो मैंने वहाँ पे हटा दिया, मुझे उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो तो दूसरा पॉइंट और बना सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैंने वहाँ पे हटा दिया। हटाने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने डिटरमाइनेड में आ गया। ठीक है, तो डिटरमाइनेड में हम आ गए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाय इन्वायरमेंट फैक्टर कह रहा है। तो मैंने इसको डिटरमाइनेड बाय को मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे एक अंडरलाइन कर दिया, फिर इन्वायरमेंट फैक्टर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन्वायरमेंट फैक्टर में अपनी जो कलर है वो चेंज करते रहता है। तो कैसे कैसे करता है और कब कब करता है इसके बारे में, तो देखो लाइट है और टेम्परेचर है। ठीक है, लाइट टेम्परेचर, जैसे गर्मी बढ़ता है तो भी ये अपनी कलर चेंज करता है और लाइटनिंग भी बढ़ता है, तो ये सब हेडिंग होता है। ठीक है, कैसे करता है, इन्वायरमेंट फैक्टर का मतलब वही है कि ये इन्वायरमेंट में कैसे ढल जाता है। तो यहाँ पे जिक्र किया है लाइट की, जिक्र किया है, तो यहाँ पे लाइट टेम्परेचर हो गया, लाइट और टेम्परेचर दोनों हैं। ठीक है, अब ये होगा कैसे, तो यहाँ पे मैंने बी में दर्शाया है। एक है ब्राइट सनलाइट जब होता है तो अपनी स्किन को डार्कनेस कर लेता है। ठीक है, डार्कनेस मतलब काला कर लेना। और दूसरा जब सनलाइट होता है, ठीक है, तो ये अपनी स्किन को क्या कर लेता है, क्रीमी कलर कर लेता है, तो क्रीमी कलर बन जाता है। ठीक है, तो देखो ये बता रहा है कि कब कैसे कलर चेंज करता है। तो मैंने ए और बी पॉइंट में इन दोनों पॉइंटों को दर्शा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने तीसरा पॉइंट कैसे निकाला होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में मुझे क्या देखना है, तीसरा पॉइंट में सबसे पहले हर बार हम हेडिंग देखेंगे, हेडिंग के बाद अगर कुछ निकल पाता है तो सब हेडिंग निकालेंगे, अगर नहीं निकलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो आप सब हेडिंग खोज के वहाँ पे लिखो। ठीक है, तभी आपको सब हेडिंग लिखना है, नहीं है तो सब हेडिंग नहीं लिखना है। फिर इसके बाद देखो अप्रोच मैंने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच को मैंने उठाया, और फिर अप्रोच के बाद आप पढ़ना आगे और देख के आप समझना कि ये कहाँ कहाँ से कैसे उठाया गया है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो अप्रोच को मैंने उठाया, अप्रोच के बाद मैंने क्या किया, लास्ट पॉइंट में मैंने कमेलियन को ले लिया। तो आपको भी क्या करना है, अप्रोच के बाद कमेलियन। अब ये क्या हो गया अप्रोच, तो ये हो गया हैंडल और इंजर्ड। ठीक है, हैंडल और इंजर्ड दोनों हो जाता है ये। तो ये पॉइंट पे देख लेना, ये पॉइंट जो है, द कलर चेंज इज, ठीक है, रैपिड एंड इंक्रीज व्हेन द कैमेलियन इज अ हैंडल, फिर है इंजर्ड, ये सब चीज़ लिखा हुआ है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने यहाँ पे अप्रोच कर दिया और अनादर कैमेलियंस ऐसे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जैसे कोई कैमेलियन इसको घायल कर देता है, इसका अर्थ ये है कि जब इसे कोई मतलब गिरगिट जो है वो घायल कर देता है तो क्या हो जाता है, तो वही है, हैंडल करता है, इंजर्ड हो जाता है। तो उसे हैंडल कैसे करता है, अपने कलर को चेंज करके। तो यही चीज़ है, मैंने पॉइंट में दर्शाया हैंडल और इंजर्ड है। तो यहाँ पे सबटाइटल मिल गया, सभी में सबटाइटल नहीं मिलता लेकिन कुछ में सबटाइटल मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सबटाइटल में हैंडल और इंजर्ड दोनों को लिख दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आगे में क्या है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने उठाया है मेनी टाइप्स ऑफ कैमेलियंस को उठाया। ठीक है, तो मेनी जो टाइप्स है, इसके कैमेलियन के कितने टाइप्स है और ये पाया कहाँ जाता है, तो देम आर फाउंड लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मेनी टाइप्स ऑफ कैमेलियन, कैमेलियन के टाइप और ये पाया कहाँ जाता है, यही है, देम आर फाउंड। ठीक है, इसके बाद देखो कहाँ कहाँ पाया गया। तो मैंने पहले में लिखा है अफ्रीकन आइसलैंड ऑफ मेडागास्कर। ठीक है, ये पहला यहाँ पे पाया गया। फिर बी सेक्शन में देखो
सहारा का डिजर्ट में पाया गया, मतलब सहारा रेगिस्तान में पाया गया। फिर सी में मैंने लिखा है वेस्टर्न एशिया में पाया गया, तो वेस्टर्न एरिया लिखा। फिर डी में मैंने साउथर्न यूरोप में लिखा है, ठीक है, तो ये साउथर्न यूरोप में पाया गया था, इसलिए मैंने इसको 4 पॉइंटों में यहाँ पे बांट दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सब टाइटल भी हमें मिल गया। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद इसमें और पॉइंट बन रहे तो बनाएंगे, ठीक है। अधिकतर आपको 5 पॉइंट बनाने हैं, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट बनाए इसमें, क्यों? क्योंकि मुझे इसमें 6 पॉइंट दिखाई दिया। अगर आप 5 पॉइंट तक के कंप्लीट करते हो तो कोई 5 पॉइंट मुख्य होता है, आप अधिक बना रहे हो कि तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 5 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब जो बाकी है लास्ट पॉइंट, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कैमेलियंस को उठाया, लास्ट पॉइंट वेरी लार्ज वाला लाइन है ना, उसको देखना, ठीक है। तो कैमेलियंस, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लेना है स्टिकी थॉट्स टू कैच बर्ड, ठीक है। तो ये चिपचिपा जो गम है उसके माध्यम से बर्ड को पकड़ता है, कह रहा है, तो मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरह से लिखोगे तो अच्छे से नंबर देता है। इसके बाद अब टाइटल्स टाइटल्स लिखना है, तो ये पूरी बातें किसके बारे में था जो अभी मैंने बताया, पूरी की पूरी बातें गिरगिट के बारे में थे, तो टाइटल क्या होगा, द कैमेलियंस। क्या लेना है आपको टाइटल, द कैमेलियंस, और हमेशा लास्ट में ही टाइटल लिखना, ठीक है, कभी भी शुरुआत में टाइटल मत लिखना, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के बारे में लिख रहा है। तो टाइटल क्या होगा, अगर टॉपिक में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो टाइटल चेंज हो जाता है, याद रखना। इसीलिए टाइटल हमेशा, जब नोट्स मेकिंग का काम करते हो तो टाइटल हमेशा लास्ट में लिखना है आपको। बाकी जो बचे पैसेज है उसका आंसर मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी आप नोट्स मेकिंग बनाना थोड़ा बहुत तो सीख गए होंगे।